लाना चाहते हैं। लेकिन वो भी बड़ा अच्छा सीन था जब पैंट में से बेल्ट निकाल ली थी। हाँ, वो गरीब की पैंट ही जाने लगी थी तो पता नहीं कैसे बच गई। तो वो उसके बेचारे के ना उसका बटन टूटा होता तो पैंट का, तो उसको पता ना होता तो फिर क्या सीन बनना था। चलो कोई नहीं, चलता है। तो अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरा नाम है मुजफ्फर और मेरे साथ है मुजम्मिल। और गर्ल्स का एटीट्यूड होता है तो टिकटॉकर्स का भी एटीट्यूड होता है, बॉयज़ का भी एटीट्यूड होता है। तो कविता जी ने कहा था कि आप इस वीडियो के हमारी पुरानी व्यूवर हैं, तो उन्होंने कहा था कि गर्ल्स टिकटॉक गर्ल्स के एटीट्यूड के ऊपर आप एक रिएक्शन दें। तो हम देखते हैं कि इनका किस लेवल का एटीट्यूड होता है। तो मुजम्मल भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? जो स्टार बन जाता है उसका तो एटीट्यूड तो होता ही है, चाहे वो बॉय हो या चाहे वो गर्ल हो। आप क्या लोग इस बात से एग्री हैं कि जब कोई स्टार बन जाता है तो उसका एटीट्यूड बढ़ जाता है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो? तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान सबसे पहले है, नहीं कुछ कामयाबी, कुछ लोग होते हैं जिनका यानी कि जो पहले साहब होता है वही रहता है, लेकिन कुछ लोगों का एटीट्यूड बढ़ जाता है। कामयाबी और नाकामी जो होती है ये लक बेस भी होती है, इसके ऊपर एटीट्यूड करना या एटीट्यूड बढ़ा लेना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इंसान को अपने आप में ही रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी मंजिल पर पहुँच जाए, किसी मुकाम पर पहुँच जाए। तो चलें, ये इनकी एक्टिंग है, एक्टिंग एटीट्यूड है, रियल एटीट्यूड नहीं है। तो चले हम देखते हैं इनके इस एटीट्यूड वीडियोस के ऊपर। तो फिर अपना छा गई है जट्टिए, छा गई है चुपके रख काम। करोना ना हो जाए आप तेरा असर मलंग मलंग मैं तेरे ही लिए हो मलंग लगी लगी मुझे तेरी लगन लगन जागी जागी मन में तेरी लगन लगन तेरी धुन में बागों में है बोली चुप।
सीख गया मेरे। ए तू बचेगा नहीं, बचेगा नहीं, मारेगा मुझे, मारेगा मुझे साला चिरकुट। नाम तो सुना होगा नहीं, कांचा। ये भी सही है। ले गाइस हमने वीडियो देख लिया, वीडियो काफ़ी मज़ेदार किस्म की थी और फनी भी कह सकते हैं, एटीट्यूड भी कह सकते हैं और इसमें फ़न भी काफ़ी देखने के अंदर मिला और एटीट्यूड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बेस्ट सीन जो मुझे लगा है वो लगा है जहाँ पर वो पानी नहीं डाल के एक हाथ धोती है और दूसरी अपने सर के ऊपर पानी डाल देती है, वो एक अमेजिंग बीच में जो सीन था वो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो इसके अलावा मुजम्मल भाई आप क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छी वीडियो थी, तो थप्पड़ ज़्यादा पड़े हैं वीडियो के अंदर जो है एक दूसरे को। थप्पड़ नहीं पड़ते, ये एक्टिंग होती है मेरे भाई। वो तो ठीक है लेकिन ये भाई थप्पड़ होते हैं। अच्छा तो ये एक्टिंग भी इसके अंदर जो थी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की देखने के नज़र आई है और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया है। तो हमारे व्यूवर्स की जो है विश भी पूरी हो गई है और हमने भी इंजॉय कर लिया है। तो वीडियो काफ़ी अमेजिंग थी, तो थी छोटी सी लेकिन ठीक था। और इसके अंदर एक जो सीन नज़र आया बीच में वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था, वो जो लड़की जा रही होती है और लड़की का लड़की के साथ जब मोड़ा लगता है और वो कहती है कि मेरा भाई है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त सीन था एक। तो इसके अलावा मुजम्मल भाई कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन वो भी बड़ा अच्छा सीन था जब पैंट में से बेल्ट निकाल ली थी। हाँ वो गरीब की पैंट ही जाने लगी थी तो पता नहीं कैसे बच गई, तो वो उसके बेचारे के ना उसका बटन टूटा होता था पैंट का तो उसको पता ना होता तो फिर क्या सीन बनना था। चलो कोई नहीं, चलता है। तो लड़का लड़की ला लेना चाहिए था, नीचे अंडरवियर निकल आता, अच्छा एटीट्यूड हो जाए। और लड़के का क्या जाना है, लड़के की खैर होती है। तो गर्ल्स को मसला होता, लड़कों का कोई मसला नहीं होता। तो काफ़ी बीच में मज़ा आया, इंजॉय किया, एंटरटेनमेंट काफ़ी थी बीच में। तो जिन्होंने वीडियो हमारी देखी है उनका शुक्रिया। तो जाने से पहले यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।